और तीसरी बात ये याद रखें कि रमजान अल मुबारक में खास तौर पर अपनी नजर को गुनाहों से बचाएं। सबसे बड़ी बुरी चीज जो है नजर है, इसलिए आता है कि साहमुन मसमूमुन मिन सिहाम इबलीस, कि नजर जो है ये शैतान के जहरीले तीनों में से एक तीर है। तो इसलिए हजूर ने फरमाया था हजरत अली अगर नजर पर जाए तो दूसरी ना डालना, बस नजर झुका ले। और अगर आपने रोजा रखा हुआ है और नजर गैर महरम पे है फिर रोजे का कोई फायदा नहीं। आपने रोजा रखा हुआ है और लोगों की रीबत कर रहे हैं, गिला कर रहे हैं, लोगों पे बोहतान लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सूद खा रहे हैं, तो फिर रोजे रखने का कोई नहीं। फरमाया अल्लाह को तेरे भूखे मरने की कोई जरूरत नहीं कि तुम भूखे मरो या प्यासे मरो, लेकिन अगर तुम गीबत से बात नहीं आए, झूठ से बात नहीं आए। अच्छा, एक मसला ये भी याद रख लो कि जैसे गैर महरम औरत पे नजर डालना मना है, इसी तरह फिल्म में भी या आपके जवाल पर जो फिल्मी प्रोग्राम है उनमें भी किसी गैर महरम औरत पे नजर डालना उसी तरह हराम। ये ना समझे कि ये तो टीवी है, यहां तो औरत खड़ी थोड़ी है, तस्वीर तो उसकी है ना, वो खुद ना हो तो उसकी तमसील है, उसकी तस्वीर है। तो इसलिए खास तौर पे रमजान मुबारक में इन चीजों से बचें। और दूसरी याद रखें कि रमजान मुबारक में अफजल इबादत यह है कि कुरान शरीफ ज्यादा पढ़े, क्योंकि रमजान में कुरान उतरा है और कुरान और रमजान का चली दामन का साथ है। और इसलिए देखें कितने खुश नसीब है वो लोग, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह रमजान मुबारक में रोजाना एक खत्म करते थे कुरान। तो आप इतना नहीं पढ़ सकते हैं तो कम से कम 10-12 तो रोज पढ़े, 3 दिन में खत्म हो जाए। और रात को तरावी में बाकायदा, लेकिन एक बात याद रखें, अगर इशा की जमात छोड़ दें और तरावी पढ़ते रहे कोई फायदा नहीं। सबसे पहले फर्ज है, फर्ज अदा करने के बाद 20 रकात तरावी पढ़ें। जो लोग 8 पढ़ते हैं हम उन पर एतराज़ नहीं करते हैं, वो चाहे हम पे एतराज़ करें, लेकिन तमाम उम्मत का तआमुल जो है वो यही है कि 20 रकात तरावी पढ़ी जाती है और 8 पढ़ो तुम्हारी मर्जी है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा हो। और अगर हम एक मिनट के लिए मान भी लें मसलन कि 8 की भी एक हदीस में जिक्र है, 11 का भी है और 12 का भी है, 20 का भी है, तो ईमान से कहें जो आदमी 8 पढ़ेगा वो 11 वाली हदीस तो रह गई ना, और जो 11 पढ़ेगा तो 12 वाली भी रह गई, और जो 20 पढ़ेगा तो सारे हदीसों पे अमल हो गया। 8 वाली भी आ गई, 11 वाली भी आ गई, 12 वाली भी आ गई और 20 वाली भी आ गई। और रमजान और मुबारक में भी अफजल यही है कि वितर जो हैं आप तहज्जुद के बाद पढ़ें। जब रात को तहज्जुद के लिए उठें तो तहज्जुद भी पढ़ें, सारी भी करें, वितर भी पढ़ें। लेकिन अगर इमाम के साथ तरावी के बाद वितर पढ़ लें वो भी जायज़ है, कोई मना नहीं, झगड़ों में न पढ़ो। 3 रकातें मिल के पढ़ो तो हदीस में मौजूद है, और 2 रकातों में सलाम फेर दो तो भी हदीस में मौजूद है, तो लिहाजा झगड़े करने की क्या जरूरत है। झगड़े तो वो करते हैं ना जिनके अंदर या तो इल्म ना हो या फसाद करना चाहते हो। तो इसलिए अगर इमाम साहब के साथ पढ़ लें कि भी चलो हम एक दुआ में भी शरीक हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि इतनी बड़ी जमात में हम खड़े हैं, पता नहीं किसी की दुआ की वजह से हमारे हाल पर भी अल्लाह पाक रहमत फरमा दे, तो कोई हर्ज नहीं, कोई लड़ाई झगड़े ना करो। बाकी तो एक उसूली बात है ना मेरा भाई, जितना गोल्ड डालोगे मीठा होगा। एक आदमी ने 8 रकात पढ़ी है और एक आदमी जो है 20 पढ़ता है, साफ ज़ाहिर है जितनी ज़्यादा मेहनत करेगा उतना ज़्यादा अल्लाह उसको अजर अता फरमाएंगे। इसलिए लड़ाइयाँ झगड़े किसी किस्म के कतई तौर पे ना करें और रमज़ान के लिए अभी से तैयारी करें। और दूसरी बात यह है कि रमज़ान में जो आप इबादत करते हैं वो 70 गुना बढ़ जाती है, यानी आपने 2 रकात पढ़ी है, नफिल पढ़ी है, 70 गुना, एक तवाफ के 70 गुना बढ़ जाएगा। एक आपने एक रियाल
खैरात की है तो 70 रियाल 70 गुना बढ़ जाएगा, यहाँ 1 का 1 लाख है तो 70 लाख गुना बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा याद रखें अपने ज़कात खैरात सदक़ात कोशिश करें कि वो रमज़ान मुबारक में अदा हो। इसी तरह कोशिश करें कि आपका इफ्तार जो है वो ताज़ा खजूर पे हो, और चाहे एक दाना भी हो, कोई ज़रूरी तो नहीं ना कभी 1 किलो खाएं, 1 दाना का इफ्तार कर लें, फिर बाद में जो खजूर आए खाते रहें। और कितने खुश नसीब होंगे वो लोग, दुआ करें अल्लाह हमें भी महरूम न कर दे, कि काबे पे नजर हो, जमजम का पानी हो, मदीने की खजूर हो और इफ्तार कर रहा हो। कितना खुश नसीब है, ऐसा इफ्तार कायनात में किसी जगह मिल सकता है? अच्छा मदीने मुनव्वरा में बैठा है, मदीने की खजूर है, हुजूर के रौजे पे नजर है और जमजम का पानी है। तो ये एक ऐसी नेमतें हैं जो क़यामत तक किसी जगह नहीं मिल सकती, तो उसका एहतमाम करें और उसका पूरा पूरा ख्याल रखें। अपने सबसे बड़ी बात याद रख लो, गैर महरम पर नज़र डालने से बच गए तो सारे गुनाहों से बच जाओगे। और अगर आपने वही रमज़ान में भी चटखारे लेने हैं और फिल्में देखनी हैं तो रोज़े रखने की कोई ज़रूरत नहीं, कम अज़ कम रोज़ा रख के तो गुनाह न करो ना। इसलिए हमेशा एहसास करें अल्लाह मर्ज़ुकना रमज़ान कमा रज़क़तना शाबान, अल्लाहुम्मा मर्ज़ुकना सियाम रमज़ान व क़ियाम रमज़ान व समरात रमज़ान व बरकात रमज़ान बिल सिहत वल इफ़्फ़त वल आफ़िया बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।